होता है साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा साइन। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का प्यारा सा चैनल एमपी पर स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं हम, आपके घर में जो करेंट आता है, आपके घर में जो बिजली आता है, उसका हम वर्ग माध्य मूल्यमान कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आज हम सीखेंगे, इसके बारे में हम व्यंजक प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम विस्तृत अच्छे से व्याख्या करेंगे। तो बस आप लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों मैं हूं रनेश और आप सबों का स्वागत करता हूं, और यही कहूंगा मैं कि यदि अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, और मैं सोचता हूं कि पूरा पावर लगा के आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको बताएं हम, अच्छे से आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाएं हम, ठीक है ना। तो ये मेरी गारंटी है 100% आपको समझाने की, और आपकी गारंटी है शेयर करने की और लाइक करने की दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम अजब तरीके से देखिए, सबसे पहले क्या है क्वेश्चन है, क्या प्रत्यय धारा का वर्ग माध्य मूल्यमान, इसका इंग्लिश होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करेंट। देखिए इसको हम लोग लिखते हैं, धारा को लिखते आई आर एम एस, इसको सूचित किया जाता है। आई मतलब धारा, आर मतलब रूट वर्ग, और मीन मतलब माध्य, और एस मतलब स्क्वायर। तो जो आपके घर में धारा आ रहा है, जो आपके घर में करेंट आ रहा है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर उसका निकाल लीजिए माध्य, ठीक है, फिर उसका निकाल लीजिए माध्य, और फिर उसमें लगा दीजिए रूट। बस जो आया वही आपका क्या है, वर्ग माध्य मूल्यमान हो गया। अब आते थोड़ा देखते हैं ग्राफ से, देखते हैं सबसे पहले, जैसे कि आपका अल्टरनेटिंग करेंट जो चलता है वो ऐसे चलता है, पहले धीरे धीरे क्या होता है बढ़ता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है घटता है, यहाँ आता है, और फिर उल्टा चक्कर लगाता है। देखिए इस प्रकार से, एक बार प्लस एक बार माइनस, अल्टरनेटिंग करेंट घटता बढ़ता रहता, अल्टरनेटिंग वोल्टेज घटता बढ़ता रहता है, ठीक है ना। पहले धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए क्या यहाँ से यहाँ आया, और फिर यहाँ से यहाँ, तो आपको बोला क्या आई आर एम एस निकालने के लिए, तो कैसे निकालिएगा आई आर एम एस। देखिए हम इस बिंदु पर आए, देखिए करंट क्या था, करंट का मान था 5 एम्पियर, इस बिंदु पर आए हम, देखिए करंट हो गया कितना मेरा 10 एम्पियर, ठीक है, इस तरह से। फिर इस बिंदु पर हम आए, देखिए यहाँ पर करंट हो गया आपका 8 एम्पियर। तो कहने का मतलब है क्या कि करंट तो बदल रहा है 5, 8, 10। तो कहने का कहता है करंट का पहले स्क्वायर कर दीजिए। चलिए स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, सबको स्क्वायर करके और कहता उसका औसत निकाल लीजिए, करंट का स्क्वायर करके उसका औसत निकाल लीजिए। स्क्वायर कर दिए, इसका औसत कैसे निकलेगा, जितने बार लिए हैं 3 बार, 1, 2, 3, तो 3 बार लिए हैं तो बटे में क्या कर देंगे 3 कर देंगे, इसका माध्य निकल गया, इसका औसत निकल गया। अब कहता उसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, और जो आया आपका वो आपका आई आर एम एस है, वो आपका धारा का आई आर एम एस है, ठीक है, या वो आपका वोल्टेज का आर एम एस है। आपको जो करंट आता है आपके घर में, जो आपको वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, जो बोलते हैं 220 वोल्ट, तो वो होता है आपका वर्ग माध्य मूल्यमान होता है 220 वोल्टेज, वो होता है 220, वो होता है वी आर एम एस होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका व्यंजक प्राप्त करते, फिर बताएंगे इसका फार्मूला क्या होता है निकालने का एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल क्या होता है। चलिए इस पर सबसे पहले शुरू करते हैं इस टॉपिक को, और देखते हैं किस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका हम व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं 100%। आपको हम कहते हैं कि 100% ठोकम ठोक तरीके से दिमाग में ठोक दिया जाएगा, वेरी गुड। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम कुछ इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, डिफिनेशन क्या होता है इसका, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र के लिए, पूरे एक चक्र के लिए, एक साइकिल के लिए, जैसे ऐसे चलता है ना प्रत्यय धारा, देखिए ऐसे ऐसे चलता है, तो ये हुआ, ये आधा चक्र हुआ, ये आधा चक्र हुआ, एक चक्र के लिए धारा का वर्ग माध्य, एक चक्र के लिए धारा के वर्ग मतलब स्क्वायर का औसत, एवरेज वैल्यू, औसत मान के वर्गमूल रूट को धारा का वर्ग माध्य मूल्यमान कहते हैं, और इसे आई आर एम एस से लिखा जाता है, सूचित किया। अब चलते हैं आगे, देखिए
इस प्रकार से धारा आपका चलता है, आपको इस चीज को जानना जरूरी है कि धारा जो आपका चलता है वो किस प्रकार चलता है, इस प्रकार से। ये होता है साइन का कर्व होता है ये, ठीक है ना। एक होता है कॉस, एक होता है साइन, ये साइन का कर्व है, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये टाइम को सूचित करता है और ये करता है किसको, ये कर रहा है अभी धारा को, किसको कर रहा है, धारा को, आई को कर रहा है। और ये एक्सिस, एक्स एक्सिस जो देख रहे हैं आप, ये एक्स है और ये आपका वाई है। तो एक्स एक्सिस जो है आपका वो समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस जो है वो धारा करेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस प्रकार से चल रहा है एक चक्कर। और एक चक्कर चलने में जो समय लगता है उसी को आवर्तकाल कहते हैं, उसको लिखते हैं टी से। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा टी, तो आधा पहुँचने में लगेगा कितना, टी बाय टू, आधा समय लगेगा, ठीक है। अब आते हैं क्या निकालेंगे कैसे इसको, देखिए ये कहता आई आर एम एस निकालने के लिए। सबसे पहले इसके हिसाब से आते हैं, एक चक्र के लिए कहता है धारा के वर्ग, धारा के वर्ग, धारा को लिखते हैं आई से, इसका कर दीजिए आप वर्ग, धारा के वर्ग का औसत मान, औसत मान को इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं, औसत मान को इस तरह से आप दे सकते हैं, ठीक है। औसत मान को इस तरह से लिखा जाता है, औसत मान के वर्गमूल, तो वर्गमूल मतलब क्या, इसका लगा दीजिए आप रूट, बस इसी को हम लोग कहते हैं क्या, आई आर एम एस। अब इसको निकालने का तरीका देखिए क्या है, इसका व्यंजक निकालेंगे, आई आर एम एस कैसे निकलता है। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, धारा आवेश में प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आवेश तो आवेश बटे होता है समय, उसी को हम लोग बोलते हैं धारा। ये तो बात जानते होंगे आप कि धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। आवेश को लिखते हैं Q से और समय को लिखते हैं T से। यहां पर क्या है देखिए, तो आवेश को लिखते हैं Q से और समय को लिखते हैं T से। तो आवेश में प्रवाह की दर को हम लोग बोलते हैं क्या, धारा। तो Q by T भी लिख सकते हैं या dQ by dT भी कर सकते हैं, dQ by dT, ठीक है। तो आवेश में प्रवाह की दर को कहते हैं क्या, धारा। जब भी दर आएगा, समय आएगा, समय के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा, धारा चेंज हो रहा है, तो उसमें हम हमेशा इंट्रीगेशन का साइन लगाते हैं, समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, सब आपको बताएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आई आर एम एस निकालना है, जिसको हम लिख सकते हैं डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी, ठीक। अच्छा डी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोना कोनी गुना कर देंगे यदि आप, तो आएगा आपको क्या आई डी टी बराबर आ जाएगा क्या डी क्यू। तो आप इसको डी क्यू लिख सकते हैं आई डी टी, लेकिन यहां पर कह रहा है क्या कि आई पर लगा दीजिए आप अपने मन से क्या स्क्वायर, चलिए स्क्वायर लगा दिए कोई दिक्कत नहीं। तो आई पर लगा दिए हम स्क्वायर, अब बाय में तो डी टी होबे करेगा, समय के रिस्पेक्ट में होगा। कहता है कि आप पूरे एक चक्र के लिए, यहां से यहां तक एक चक्र के लिए हमको समय पता है, तो इसके लिए कितना समय पता है, तो टी, जीरो से टी। जब आपको यहां पर दिया गया लिमिट, दिया गया सीमा, आपको दे दिया गया है कि आपको यहां से चलना और यहां पर आकर रुक जाना है, इस कंडीशन में एगो हम लगाते हैं इंट्रीगेशन का साइन। इंट्रीगेशन को हम लोग बोलते हैं समाकलन, जो मैथ में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, कैलकुलस में है, इंट्रीगेशन का साइन होता है कुछ इस प्रकार से। और ये कब लगाते हैं, जब हमको संपूर्ण निकालना होता है तब इसका यूज करते हैं, या कुछ दे देता है मान कि इसको यहां से यहां तक आपको लेना है, उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं, समाकलन का यूज करते हैं। तो यहां पर हम लोग समाकलन का यूज करेंगे, कहां से कहां चलना है, जीरो से चलना है, टी के पास जाना है, या लोअर लिमिट हो जाएगा जीरो, लोअर मतलब होता है नीचे वाला जहां से शुरू कर रहे हैं, अपर मतलब होता है जहां तक हमको जाना है, ठीक है। मेरा डेस्टिनेशन कहां से है, हम पढ़ रहे हैं किस लिए, क्या करना है, तो नौकरी करना है, क्या करना, बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो देखा दरअसल इसका मतलब जीरो शुरू किए और यहां टी तक आए हैं। अब यहां पर भी हो जाएगा जीरो से कहां हो जाएगा टी, ठीक है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब इसका हम लोग कैलकुलस करेंगे और जानेंगे कि आई आर एम एस निकलता कैसे है, और आप भी घर बैठे चुटकी में आसानी से निकाल लोगे, समझे, एकदम पावरफुल। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, एकदम मस्ती कर करके पढ़ना है, एकदम चिंता एकदम नहीं करना, एकदम आराम से पढ़ना है, अच्छे से बोलते हैं आपको हम कि एकदम तुरंत आप सीख जाइएगा फिजिक्स। आइए जरा देखिए क्या है, सबसे पहले
चलिए आप इसको समझ में आ गया, इसको मिटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आप देखिएगा किताब में आपको इसी प्रकार से लिखा रहता है, इसी प्रकार से वो लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। आइए हम जरा सा आई आर एम एस कैसे लिखेंगे, देखिए जरा सा आई प्रत्यावर्ती धारा, पढ़े होंगे आप एसी करेंट, अल्टरनेटिंग करेंट, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, एक होता है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है कि निश्चित समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, निश्चित समय में क्या होता है बदलते रहता है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे चलेगा, इस तरह से बदलते रहता है, उस धारा को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रत्यावर्त धारा। एक निश्चित समय के साथ धारा का परिमाण और दिशा क्या होता है आवर्त रूप से बदलता रहता है। अदिष्ट धारा क्या होता है, डायरेक्ट करेंट, वैसी धारा जिसका परिमाण और दिशा नियत होता है, नियत होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन चलता है, एकदम बदलता नहीं है डीसी करंट में, ठीक है। आइए यहाँ देखिए जरा सा, तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला होता है प्रत्यावर्ती धारा का, फॉर्मूला होता है I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। I नोट को बोलते हैं हम लोग आयाम, बोलते हैं धारा का क्या बोलते हैं आयाम, ये जो यहाँ मैक्सिमम धारा है ना इसी को बोलते हैं आयाम, इसको बोलते हैं आयाम I नोट, इसको बोलते हैं आयाम शिखर मान, पिक वैल्यू अधिकतम मान, और ओमेगा को बोलते हैं कोणीय वेग, जो जब धारा चल रहा है ना उसको बोलते हैं कोणीय वेग, जिस वेग चल रहा है, ये देखिए इस प्रकार चल रहा है, घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ये इसको बोलेंगे कोणीय वेग, टी है टाइम आपका, ठीक है ना। तो आई के जगह पर हम लोग लिख देंगे आई नोट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी टी, ठीक है, ये जीरो ये टी, इसका देखिए डी टी का होता है इंटीग्रेशन, आपको बताते हैं हम यहाँ पे, देखिए मेरे पास छोटा बोर्ड है भैया, क्या करें थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही, परेशानी तो झेलना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ, अपना भर पूरा एफर्ट लगाता हूँ आपको समझाने का, कृपया करके आप लोग मेरा मदद करें, हेल्प करें, ठीक है ना। और देखिए जरा सबसे पहले क्या है यहाँ पे, देखिए डी एक्स रहता है तो इसको लिखते हम लोग क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन एक्स होता है, यहाँ पे डी टी है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा टी, और देखिए यहाँ पे अपर लिमिट है टी और लोअर लिमिट है जीरो। अब हम इधर लिखते हैं आई आर एम एस बराबर, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको देखिए जीरो टी, ये हो जाएगा आई नोट स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा डी टी बटे। अब देखिए अपर लोअर फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में, डिफिनिट इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर, तो अपर कितना तो टी, तो टी हो गया, और लोअर कितना तो जीरो, तो अपर माइनस लोअर फार्मूले होता है अपर माइनस लोअर, तो ई जो स्मॉल टी है उसके जगह पर कैपिटल टी आ जाएगा, और माइनस लोअर मतलब क्या जीरो, टी माइनस जीरो अपर माइनस लोअर। दोस्तों इसको आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे आपको फिर बताने वाला हूं अच्छे से एकदम फुल टू फटाक। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि आई आर एम एस इजकल टू आई नोट स्क्वायर, हम लोग बाहर कर देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा डी टी, उतार रहे हैं बस, यहां क्या है टी है, यहां क्या है टी, इस टी को आप यहां भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस टी को तो बटे में हो जाएगा क्या टी। अब देखिए यदि आप देखने वाले विद्यार्थी जो हमारे वीडियो को भी अपनी सुंदर आंखों से देख रहे होंगे, उसको मैं बोलना चाहता हूं, यदि आप मैथ के विद्यार्थी तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए इंटीग्रेशन में, यदि आप बायोलॉजी के हैं तो कुछ मुझे फार्मूला बताना पड़ेगा, और मैं दोनों के लिए हूं तो मुझे कुछ फार्मूला लिखने दीजिए,
ठीक है ना। आपको यदि आता है फार्मूला तो आप स्किप कर सकते हैं 10 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फार्मूला लिखूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। इसको इधर इस साइड वाला मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, भगवान करे मेरा जो वीडियो देख रहा हो उसको भगवान 400 प्लस नंबर दे। और मिलना भी चाहिए क्योंकि आप इतने मेहनत से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कम बड़ी बात नहीं है। चलिए, आप जान लीजिए जरा सा क्या साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा / 2 होता है, ठीक है। और साइन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपको बता देते हैं। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, IRMS इक्वल टू, फटाफट इसको प्रूव करते हैं, टी। अब देखिए इसको सबसे पहले यहां पर देखिए, लोअर लिमिट 0, अपर क्या, टी। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर है ओमेगा टी, ओमेगा, ओम नमः शिवाय, ओमेगा टी। देखो ओमेगा टी है तो क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2, और थीटा की जगह पर क्या होगा, ओमेगा टी। अब बटे, बटे होगा 2 2 2 2 2 2 2, ओहो ये देखो आई नोट। अब देखो ये जो दो को देख रहे हो फार्मूला के अकॉर्डिंग भैया जी उसको उतार दी, और कोनो बात नहीं, ठीक है ना, हमरा नहीं बुझने आता होता, ठीक है। दो को बाहर कर लीजिए, बाहर कर लिए, ये देखिए है, ये देखिए जरा सा क्या हो जाए, कॉस 2 ओमेगा टी आई डी टी, ठीक। हाँ, IRMS इक्वल टू आई नोट स्क्वायर जी सर, अब बाई 2t 2t 2t। अब देखिए ब्रैकेट बंद, dt को आप 1 से गुना कीजिएगा तो होगा dt माइनस, अब फिर यहाँ माइनस है ना इसलिए माइनस दे दिए, अब फिर क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी इंटू dt, आ 0 से t, ब्रैकेट बंद। देखिए जितना वो भैया जी बोर्ड है उतने बताएंगे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, आप मुझे माफ़ करें क्योंकि मेरे पास जितना व्यवस्था है उस हिसाब से आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको हम कह देते हैं फेल होने आपको फिजिक्स में हम नहीं देंगे, ये हम कसम खाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हारे आज जेल होई काल बेल होई आ परसों से वही खेल होई। देखो क्या हो जाएगा, IRMS इक्वल टू आई नोट स्क्वायर अब बाई 2t 2t 2t। dt का होता है इंटीग्रेशन भैया जी टी, होता है टी, ठीक। आ लोअर लिमिट 0 अपर टी, आ ये देखिए कॉस का होता है साइन इन, साइन में आई कम इन सर, यस कम इन, तो ये देखिए साइन होगा साइन 2 ओमेगा टी, और टी के गुणांक में जो रहता है भैया इंटीग्रेशन का रूल है, इंटीग्रेशन का रूल आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। अब मैथ के विद्यार्थी तो बिंदास, हमको आता सर कुछ बात नहीं है, बताइए आगे। हाँ देखो टी के गुणांक में जो रहता है उसको लिखते हैं 2 ओमेगा, लिखे टी के गुणांक में जो रहेगा 2 ओमेगा लिख दिया, एकदम इसको मिटाओ यार, मथा खराब करके रख दिया, मेरा छोटा छोटा बोर्ड है मैं क्या करूं। हाय रे, अच्छा कोई बात नहीं है, जो कष्ट करता है वही इंटर में फर्स्ट करता है, फर्स्ट आप कीजिएगा टॉप, समझे, एकदम ललन टॉप के जैसा तैयारी कीजिए, मार देव गोली केहू नहीं बोली। अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, ठीक, बहुत अच्छा, थैंक यू। अब माइनस ई 2 ओमेगा को बाहर कर दीजिए, वेरी गुड। आ देखिए फिर यहां पर क्या होगा, अपर माइनस लोअर द साइन
अपर मतलब टी की जगह पर कैपिटल टी और लोअर मतलब क्या, देखिए इसको मिटा रहे, ठीक है ना, बहुत दिक्कत कर रहा है हमको, मथा खराब कर दिया, टू ओमेगा और टी की जगह पर क्या हो जाएगा जीरो, ब्रैकेट बंद, ये भी मिटा देते, इसका भी कोई काम नहीं है, तो भाग यहाँ से, काम खत्म बात खत्म, दुनिया का यही दस्तूर है मेरे भाई, काम हो गया तो लात मार के भगा दिया जाएगा। जी सही बोल रहे हैं, सुनिए, कहने का मतलब आई आर एम एस इजकल टू आई नोट स्क्वायर बाय टू टी, आई देखिए हो गया आपका टी माइनस वन बाय टू ओमेगा, देखिए जरा सा भैया जी, जरा सा देखिएगा, ओमेगा का जो वैल्यू होता है आपको बताते हैं, कोणीय वेग का जो वैल्यू होता है कोणीय वेग, वो टू पाई बाई टी होता है। सर ये कैसे आया, आपको एगो बात बोल देते हैं, इसको बोलते हैं भैया जी कोणीय वेग, बात बुझ रहे हैं आप, वेग या चाल बराबर होता है जानते हैं का, दूरी बटा समय, दूरी बटा, जी सर एकदम सही बोले हैं, हाँ दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या होता है समय, दूरी, तो दूरी देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप देखिए दूरी, दूरी यहाँ पर एक चक्कर लगा रहा है, कहने का मतलब है क्या, एगो बात बोले एगो वृत्त बना रहा है, एगो गोला इस तरह से एगो वृत्त में घूम रहा है, आ जब कोई वस्तु एगो वृत्त में घूमता है एगो, तो कहने का मतलब 360 डिग्री का कोण बनाता है, उसको बोलते रेडियन में, टू पाई, तो दूरी कितना हो गया टू पाई, आ कितने समय लगा तो टी लगा तो टू पाई बाई टी, तो ओमेगा बराबर हो गया टू पाई बाई टी, जहां ओमेगा वहां पर रखिए टू पाई बाई टी, टू पाई बाई टी 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 टी, टू पाई बाई टी, ओमेगा का मान रखिए टू पाई बाई टी इन टू टी, आई हो जाएगा साइन जीरो, गुना करेंगे टू पाई से तो हो जाएगा जीरो जीरो, ठीक है। अच्छा चलिए टी टी गाया, टी टी गाया, अच्छा देखिए सर आप लोग यहीं तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ा कमी है मेरे भाई, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग, जिंदगी मौत ना बन जाए, ओ सॉरी, देखो हम तो क्लास में हैं और इस तरह से कुछ कुछ गुनगुना रहे हैं, सॉरी सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, मिटा दिए, यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस, ये देखिए दुगुनी चार ऊपर टी चला जाएगा टी बाय फोर पाए, आ ये देखिए दुगुनी चार पाए, दुगुनी चार पाए, भैया जी मेरे प्यारे भाई, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन देख रहे हैं मेरे वीडियो को, उन सबों को कहते हैं भगवान जी बहुत अच्छा, उसको तरक्की दीजिएगा जीवन में, हमेशा वो खुश रहे, हमेशा इतना अच्छे काम करे वो जो उसका हर जगह नाम हो। देखो साइन फोर पाए आप जानते हैं, जानते बताते हैं आपको, इधर इस साइड वाला थोड़ा मिटा दे, कचरा लग रहा है, कचरा कचरा कचरा, ओहो कचरा लग रहा है जी, काम निकल गया तो कचरा लग रहा है, इससे पहले नहीं जान रहे थे, तनी सर जी बता दीजिए बगलवा में, हाँ हाँ, अरे हम तोरा जानते हैं रे, हम तोरा जानते हैं, साइन जीरो डिग्री का वैल्यू होता है जीरो, और साइन फोर पाई का भी वैल्यू होता है जीरो, आप समझिए, साइन 180 डिग्री का भी मान होता है जीरो, ये तो जानते होंगे, साइन 180 को लिखते हैं पाई, साइन पाई रहे, टू पाई रहे, थ्री पाई रहे, फोर पाई रहे, सब का मान जीरो होता है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसका हो जाएगा क्या जीरो, इसका भी हो जाएगा जीरो। अब देखिए आई आर एम एस इजकल टू आई नोट स्क्वायर बाय टू टी, ये हो जाएगा टी, आ ई देखिए टी बाय फोर पाए है, इसको जीरो से गुना करेंगे हम तो ई हो तो जीरो ना हो जाएगा मेरे भाई, मेरे भाई अच्छा से पढ़ लो तभी कुछ दुनिया में करोगे, सॉरी भाई और बहन दोनों, मेरे छोटे प्यारे और प्यारे भाई और बहन सबको कहते हैं अच्छे से पढ़िए, पढ़िए भी
और एंजॉय भी कीजिए, और एंजॉय भी कीजिए, ठीक है, हमेशा। लेकिन प्राथमिकता पढ़ाई, पहले पढ़ाई और तब दूसरे को पैर को खींचेंगे, खिंचाई। अभी जो टोला मोहल्ला में यही चलता है, खिंचाई, एक बढ़ आगे फलना में आगे बढ़ रहा हूँ, तो खिंचाई होता है ना। तो कहने का मतलब है क्या कि वैसा काम नहीं करना है, सॉरी वैसा काम नहीं, खींच। आई नोट स्क्वायर बाय टू। अच्छा देखिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक तो हो गया, यहाँ ये आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर इस सब में क्या होगा, पीछे वाला सब में स्क्वायर पकड़ लेगा, सब में स्क्वायर पकड़ लेगा, क्योंकि आपको बताते, देखिए आई आर एम एस थोड़ा सा आप कर लीजिएगा क्या, सब में आई आर एम एस जो लिखे थे ना, सब में आप स्क्वायर कर लीजिएगा, सब में खाली स्क्वायर लगा दीजिएगा। स्क्वायर सर क्यों लगा रहे, क्योंकि देखिए रूट था ना, रूट ये था क्या, आई का स्क्वायर था ना, तो हमको इस रूट को हटाना था, इस रूट को हटाने के दोनों तरफ वर्ग करते, और दोनों तरफ वर्ग करते, दोनों तरफ वर्ग करते, वर्ग करते करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देते क्या होता है यहाँ पे, ये स्क्वायर हो, इस पर क्या आ जाता आई आर एम एस, इसको मिटा देते नीचे वाला, कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ठीक ही है, सिर्फ खाली जो है ना, हम एक थोड़ा सा खाली यहाँ स्क्वायर होता है, स्क्वायर भूल गए थे। देखिए दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दिए, वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, और क्या बचेगा, ये बच जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रूट को हम छोड़ दिए थे ना, तो इसलिए आपको खाली स्क्वायर सब में लगा देना है, ये रूट के बदला, ये रूट जो इधर आता है ना, स्क्वायर पकड़ लेता है, दोनों तरफ वर्ग करना हम भूल गए थे, कोई बात नहीं है, सब में खाली आई आर एम एस में क्या करना है, वर्ग कर देना है, मतलब स्क्वायर लगा देना है। आई आर एम एस इजकल टू ई स्क्वायर, उधर जाएगा क्या पकड़ लेगा, रूट स्क्वायर बाय टू, इससे क्या निकलेगा आई नोट, ये हो जाएगा रूट टू। तो यही हो गया आपका दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा 2019 में पूछा गया है, पॉइंट बी नोटेड। आ देखिए जरा सा, ये हो गया आई आर एम एस, ये हो गया आई नोट बाय रूट टू। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, ये धारा का वर्ग माद मूल मान हो गया, इस शिखर मान, इन दोनों के बीच में संबंध होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आई आर एम एस है, और यदि रूट टू का मान आप रख देते, 1.414 रखते हैं, इसको भाग लगाइएगा तो 0. क्या आएगा, 0.707 आई नोट आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से वोल्टेज के लिए भी होता है, धारा के लिए है, वोल्टेज के लिए क्या होता है, वी आर एम एस आई नोट, सॉरी वी नोट ना हो जाएगा, यहाँ वी है ना, तो वी नोट बाय रूट टू, और यदि इसका मान रख दीजिएगा तो हो जाएगा 0.707 वी नोट हो जाएगा, ठीक है ना। अब एगो बात समझाते हैं, आपके घर में जो करेंट आता है उसके बारे में समझाते हैं, इसको उतार लिए, बहुत अच्छा। अब एगो बात समझाते हैं आपको हम, जो आपके घर में करेंट आ रहा है दोस्तों, करेंट समझ रहे हैं, करंट आ रहा है, वोल्टेज आप लोग पढ़ते हो कि कोई भी क्या कहते हैं, लिखा रहता है 220 वोल्ट आपके घर में जो आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है, वो जो 220 वोल्ट होता है वो आपका होता है भी आर एम एस होता है, 220 वोल्ट होता है, ठीक है ना, 220 वोल्ट होता है। और यहाँ पर भी नोट देख रहे हैं, ये अधिकतम मान धारा का होता है, अधिकतम मान जो आपके घर में अधिकतम मान कितना आया, वोल्टेज अधिकतम कितना है, शिखर मान जिसको कहते हैं, पीक वैल्यू। तो ये आपका धारा जो आता है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान आता है कितना, 220 वोल्ट, आपके घर में जो धारा आ रहा है उसका वर्ग माध्य मूल मान। तो कभी कभी देखें क्या, सब जितना भी आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, एक्सेट्रा, चार्जर है, सब में लिखा रहता है 220 वोल्ट, मतलब उसको आप लोग यूज कर सकते हैं, 220 वोल्ट पर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी एकाएक अचानक वोल्टेज बढ़ा और उड़ गया, टीवी उड़ गया, शॉर्ट कर गया, फ्रिज उड़ गया, या क्या कहते हैं चार्जर उड़ गया, ऐसा सुनते हैं, बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब में भी लिखा था 220 वोल्ट, बल्ब भी फ्यूज हो गया। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि उसमें लिखा रहता 220 वोल्ट, लेकिन आपके घर में जो है वो 220 वोल्ट एक्चुअल धारा आता नहीं है, ठीक है ना, वो आपका भी आर एम एस बताया गया 220 वोल्ट एक्चुअल, जो आपके घर में अधिकतम धारा जो आता है, बताते हैं आपको कैसे निकालेंगे। अधिकतम धारा होता है भी आर एम एस इजकल टू, फार्मूला क्या होता है, भी नोट बाय होता है रूट टू, यही होता है।
तो अधिकतम मान आपको धारा का निकालना है, तो बस इसका मान 220 वोल्ट आपके 20 घर माना 220 और कोना कोनी कर दीजिए गुना रूट टू अभी नोट। आपके घर में अधिकतम धारा इतना आता है, मतलब 220 गुना कर दीजिए रूट टू को, गुना के रूट टू का मान होता है 414 होता है और बराबर भी नोट। आप जब इसका कीजिएगा निकालिएगा लगभग 311 समथिंग आएगा, इतना वोल्टेज आपके घर में अधिकतम इतना होता है। तो इसका मतलब यही है कि सर आप बोल रहे हैं 220 वोल्ट अधिकतम 220 वोल्ट नहीं आता है। जी नहीं, 220 से भी अधिक हो जाता है, कभी कभी 250 हो जाएगा, कभी 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 जो है 300 भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है बस जैसे एकाएक बढ़ा, बस उसमें तो लिखा हुआ था 220 से और वो बढ़ के हो गया कितना 250, बस आपका उड़ गया। ठीक है, वो तो आपको दिया था कंपनी बनाकर 220 वोल्ट पर इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अचानक बढ़ जाता है जिसके वजह से आपका उड़ जाता है। तो आपके घर में जो आपके घर का धारा का मान होता है वो होता है 220 वोल्ट, वो दिया रहता है वर्ग माध्य मूल मान, और अधिकतम धारा यदि पूछा जाए तो लगभग 300 समथिंग आता है। ठीक है, जिसके वजह से उड़ जाता है कभी कभी, इसलिए स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है। स्टेबलाइजर का यूज इसलिए किया जाता है कि वो आपके धारा को कंट्रोल करके, आपके वोल्टेज को कंट्रोल करके रखेगा।